केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह दतिया में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दतिया विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दतिया वालों, आप सिर्फ विधायक या मंत्री नहीं चुन रहे, आपका वोट नरोत्तम मिश्रा को तो विधायक बनाएगा ही, साथ ही मध्य प्रदेश और देश का भविष्य तय करेगा। अमित शाह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा संगठन डॉक्टर नरोत्तम में प्रदेश नेतृत्व की काफी संभावनाएं दिखता है। इस अवसर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गदा देकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक की चिंता थी। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम लीला की जान। भाई और बहनों, युवा मित्रों, 5 साल तक मैं कभी नहीं भूल सकता। 5 साल तक ये राहुल बाबा है क्या? राहुल बाबा जानते हो ना भाई, ये राहुल बाबा 5 साल तक मुझे ताना लगाते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं। मैं आज दतिया के चौक में राहुल बाबा को कहने आया हूँ, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है राहुल बाबा, रामलीला भव्य मंदिर। दतिया वालों, दर्शन करने जाना है ना? जाना है या नहीं जाना है भाई? मतलब खर्चा होगा ना? अरे चिंता मत करो, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सारे मध्य प्रदेश वालों को बारी बारी।